मतलब पूरे दिन मैं ना मतलब एक हाँ जी, तो क्या हाल है आप लोगों के? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और सारे मज़े में होंगे। तो अभी चेक कर लो, अभी हम कहाँ पर आए हैं। अभी हम आए हैं सिडको, जो कि हैं बड़गाम में लोकेट, और मेरे साथ हमारा एक पुराना फ्रेंड है जो कि हमारे साथ बचपन से होता था। बट आप लोगों को पता है ना, जब कोई बंदा किसी काम में लगता है ना, तो वो बंदा मतलब फिर फ्री नहीं होता है। तो मैं आपको उस बंदे से मिलाता हूँ, देखो, जो कि यहाँ पर फोटो शूट कर रहा है। और यहाँ पर दूसरा भाई है जो कि खाक से। आपका नाम क्या है भाई? बासित। तो बासित भाई हमारे साथ हैं और हैं हमारे साथ मुरसलात। तो भाई इधर देख लो। तो अगर आप लोग मेरे पुराने वाले मतलब एक व्लॉग को चेक करोगे ना, जिसमें मैं कानूर गया था, तो तब ये बंदा जो है ना बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। तो इसके साथ ना पुरानी फ्रेंडशिप है। तो अभी हम आ गए थे सिडको, तो हमने सोचा यहाँ पर बातचीत करेंगे। ये बहुत टाइम के बाद आज मुझसे मिला, तो अभी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और आप लोगों को मिलते हैं सीधा मोटो व्लॉग। तो जी भाई साहब, तो अभी मुझे थोड़ा बहुत काम पड़ा, और जो मुरसलात है ना हमारा फ्रेंड, इसको मैंने बोला मैं निकलता हूँ, तो ये थोड़ी देर यहाँ पर वेट करेगा और मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो चलो जी, मैं तो यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत घर का ही काम पड़ा। बाकी चेक कर लो हम किस लोकेशन पर आ गए थे। इधर पर थोड़ा बहुत मुझे टेंशन है, कहीं कोई नोकेला सा पत्थर हमारी बाइक में ना घुस जाए, क्योंकि अगर ईद के मौके पर पंक्चर हुआ ना तो बैंड बज जाएगी। यहाँ पर कुत्ता ये हमें क्यों ऐसे देख रहा है? देखो कैसा ऑफ रोड करना पड़ रहा है अपनी वर्जन 4 पे, जो कि इस वाले ऑफ रोड के लिए नहीं बनी है। देखो कितने नोकीले से पत्थर है यहाँ से। तो जी अभी टाइम चेक कर लो 7:17, तो शाम के बजे हैं 7:17। तो आज की पहली ईद, देखो मतलब पूरे दिन मैं ना मतलब एक ये बंदा क्या कर रहा है, जब तक ये पीछे नहीं जाएगा मैं नहीं हटूँगा, क्योंकि अपना रास्ता अपना ही होता है। तो ये बंदा भी फास्ट नहीं था, एक्चुअली में इसकी भी गलती नहीं थी, वहाँ पर रोड ख़राब था जिसके कारण इस ये बचाने के चक्कर में हमारे साइड से आ गया था। तो ये बंदा भी क्या कर सकता है, मतलब रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है, इसकी भी कोई गलती नहीं थी। तो चलो जी, इन बातों को साइड में छोड़ो, बाकी मैं भी पीछे नहीं हटा। तो बाकी शाम के टाइम को अभी मतलब इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है ना, पहले इतना मतलब आज दिन भर इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था अपने फ्रेंड के साथ, तो वो फ्रेंड ना मतलब एक जगह पर काम करता है जिसके कारण उसको टाइम ही नहीं मिलता है अब मतलब मिलने का। तो वहाँ पर मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, और अभी जाके चेक कर लो अभी टाइम क्या हुआ है, बिल्कुल शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पर गाय चल रही है। चलो इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़, हेलो गाय, अपने मज़े में चल रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर, अगर हम इनको कुछ बोलेंगे ना ये हमें फोड़ देंगे। अरे छोटू को क्या हो गया? देखो छोटू क्या कर रहा था, कुछ ऐसे सांप बना रहा था। तो ईद पे जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं ना, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथ में बाइक्स देते हैं, गाड़ियाँ देते हैं, स्कूटीज देते हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करके आराम से ड्राइव किया करो, आराम से स्लोली राइड किया करो, क्योंकि जान एक बार मिलते हैं। मैं मानता हूँ बचपन का जो यंग जो खून होता है ना बहुत गर्म होता है, बट थोड़ा बहुत उसको कंट्रोल में रखो। जब आपकी सेहत रहेगी, जब आपकी जान रहेगी, आपके घर वाले भी खुश रहेंगे और आप लोग आगे जाके और इंशाल्लाह तरक्की करोगे। मतलब अगर आप आज 1 लाख या 2 लाख की बाइक चला रहे हो ना, कल जाके इंशाल्लाह आप लोग 20 लाख की 30 लाख की बाइक चलाओगे। बस आराम से दूसरे का भी सोचा करो और ख़ुद भी सोचा करो। बाकी मोहब, मैं सोच रहा था मोहब को कॉल कर दूँ, वो है वहाँ से, मोहब का घर वहाँ से, पता नहीं वो छपरी आज कहाँ से घूम रहा होगा, जब वो ब्लॉग देखेगा ना पक्का इस पर कॉमेंट करेगा। बाकी मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी जाके मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा राजबाग वाले साइड से, तो वहीं से आप लोगों को थोड़ा बहुत राजबाग का व्यू दिखाऊंगा। तो अभी तो पॉसिबल नहीं है और कहीं से जाना, मैं राजबाग से जाऊंगा, वहीं से आप लोगों को थोड़ा बहुत व्यू दिखाऊंगा। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ से लेफ्ट जाना है, आपको स्मार्ट सिटी दिखाएंगे ईद के दिन। तो यहाँ से चेक कर लो, अभी हम पहुँच चुके हैं अमर सिंह कॉलेज के बिल्कुल नज़दीक। यहाँ से देखो फुटबॉल प्लेयर्स के जो है ना वो स्केच, मतलब स्केच नहीं, वो कुछ स्टैचूज़ बने हुए हैं इस वाले दीवार पर। तो ये मैंने आज अपनी वीडियो में पहली बार दिखाया, बाकी आप लोगों को पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है या नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 40 और 40 के स्पीड में चलो, तो देखो मैं 38 की स्पीड में चल रहा हूँ, तो इसीलिए आप लोगों को भी बोलता हूँ ट्रैफिक जो रूल्स है ना वो फॉलो किया करो। तो यहाँ पर देख लो इकबाल पार्क और चिल्ड्रंस पार्क के बाहर ईद के दिन कितनी ज़्यादा रश, कितना ज़्यादा रश लगा होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो ज़्यादातर चिल्ड्रंस पार्क में आते हैं जो कि यहाँ पर है।
तो अभी हमें सीधे जाना है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बोला, हम आज राजबाग वाले साइड से जाएंगे। तो देखो यहाँ से ट्रैफिक वाले को चेक कर लो, आज मतलब आज ईद का दिन है ना, कुछ ट्रैफिक वाले ऐसे हैं जिन मतलब आज के दिन भी इनको छुट्टी नहीं मिलती। तो बाकी यहाँ से रोड चेक कर लो, कितना प्यारा रोड इन्होंने बनाया है यहाँ से, और एक प्यारा सा लीन। तो आज यहाँ से जो शॉप्स है ना, खाली खाली लग रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ईद का ईद के मौके पे ज़्यादा शॉप्स खुली नहीं होती है। तो हमें क्या जाना है, मतलब हमें सीधे जाना है आज यहाँ से। आज हम मतलब बहुत समय के बाद इस वाले रास्ते पे आए, मतलब राजबाग वाले साइड से आए। तो देखो यहाँ से साइड से चेक कर लो, कितना ज़्यादा प्यारा इन्होंने जो व्यू बनाया है ना, बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो यहाँ से चेक कर लो कितना प्यारा व्यू बनाया हुआ है, मतलब इन्होंने जो पाथ्स है ना बहुत प्यारे बनाए हुए हैं आज। तो यहाँ से मैं कभी नहीं आया हूँ, मुझे लगता है मैं कभी अपनी रानी को लेके यहाँ से आऊँगा। वैसे आप लोगों को आगे जाके बताऊँगा रानी के साथ हम क्या करने वाले हैं, उसको हम सेल करने वाले हैं। तो हम अभी जाएंगे लाल चौक वाले साइड से। तो बाकी देखो हम पहुँच चुके हैं लाल चौक। तो बाकी हम क्या करते हैं, बाकी आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को क्या करना है, वीडियो को कर दो एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, मतलब शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, बस कभी कभार मुंह से निकल जाती है, तो सब्सक्राइब भी कर दो मेरी चैनल को। तो बाकी मिलते हैं हम आप लोगों से और किसी नई सी प्यारी सी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो जी अभी क्या करते हैं, अभी जाते हैं मेरा कदल वाले साइड से घर वापस, R15 V4 मैट ब्लैक में देखो कैसी लगती है, इसको बोलते हैं R15 R15, बाय बाय है ना, मैंने बोला बाय बाय चलो यहीं से घूम के जाते हैं। तो थोड़ा बहुत मस्ती भी करना पड़ता है और यहीं से वापस घूम भाई ठीक। तो बाकी यहीं से घूम के जाते हैं वापस।